संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संजू का ढाबा चैनल पे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की चटनी। चटनी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन आज आप मेरे स्टाइल से चटनी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बोल धनिए का, एक बोल कड़ी पत्ता, दो बड़े चम्मच हैं ये दही के, दो फांक लहसुन की, एक कच्ची अम्बी कटी हुई है, चार हरी मिर्चें, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा है ये गुड़ का, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी हींग। अब हम लेंगे मिक्सी का चटनी जार, इसमें डाल देंगे अपना हरा धनिया। इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ते, इसे भी बहुत अच्छे से धो लिया था। साथ ही में डाल देंगे हम ये चार हरी मिर्चें, अदरक, गुड़, ये अम्बी, लहसुन, नमक और चाट मसाला, और साथ ही हम डाल देंगे हम अपना दही। इसी के साथ डालेंगे एक पिंच हम हींग का और इसे हम अपने मिक्सी में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारी चटनी बनके बिल्कुल रेडी है, आइए इसे देख लेते हैं। ये बिल्कुल ही स्मूथ सी चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी। हम इसे कांच के बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। कैसी लगी आपको कड़ी पत्ते की चटनी? ये हेल्दी बहुत है, बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है। इसे मीठी नीम भी कहा जाता है। धनिए के साथ साथ इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चटनी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।